महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। सभी प्रकार के भेदभाव समाप्त हो गए। यहाँ मनों की वास्तविक समरसता थी। यह समरसता चमत्कारिक थी, जिसका मैं साक्षी हूँ। हम में से कुछ आशंकित थे कि सत्संग का यह क्रम बाबा जी की पश्चिमी की यात्रा आरंभ होते ही समाप्त हो जाएगी। तभी तुलाराम ने हमें सूचित किया कि यात्रा सन 1962 के जाड़ों के लिए टाल दी गई है। इसके स्थान पर पास पड़ोस के नगरों और तीर्थ स्थलों की थोड़े समय की यात्राएं की जाएंगी, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण यात्रा चित्रकूट की है। तुलाराम चित्रकूट में पहली बार 1961 में बाबा जी के संग परिक्रमा में गए थे। उन्होंने वहां वृक्षों की पत्तियों पर राम राम लिखा देखा था। जब तुलाराम ने इसकी ओर बाबा जी का ध्यान आकर्षित किया कि यह कैसे संभव है, तब बाबा जी ने जवाब दिया था कि इसमें विस्मय की कोई बात नहीं है, यह राम की भूमि है, किसी मनुष्य की नहीं। यदि आप अपने नाम की तख्तियां अपने घरों पर लगाते हैं और यहाँ राम नाम पत्तियों पर है, तो यह असामान्य बात नहीं है। तुलाराम ने मुझे बताया कि इलाहाबाद में जब हम साथ बैठकर बाबा जी के इस तर्क पर विचार कर रहे थे, मुझे अपनी ही अज्ञानता पर दया आई कि मैंने ऐसा प्रश्न क्यों पूछा। इसके साथ ही सभी हंस पड़े। चीज़ें कितनी सरल हो जाती हैं यदि हम उनसे विश्वास कर लेते हैं। सत्संग का पूरा समय रहस्यों के समझने और एक दूसरे से बातें करने में बीत जाता था। जब तक भक्त बाबा जी की छत्र छाया में रहते, किसी को किसी से कुछ लेना देना नहीं होता था, केवल आनंद ही होता था। तुलाराम बाबा जी के साथ मार्च में चले गए थे और अन्य लोग भी अपने अपने घरों को चल दिए। तुलाराम सप्ताह में कम से कम एक पत्र लिखते रहे। पत्रों में अपनी यात्राएं, नए व्यक्ति और नए स्थानों की यात्रा के वर्णन होते थे, किंतु इन यात्राओं में उनके संरक्षक सदैव वही बाबा जी रहा करते थे। अब लोगों के यहाँ चले जाने पर समारोह और उत्सवों का क्रम एकाएक बंद हो गया, किंतु मेरे जीवन में कोई शून्यता अथवा समय बिताने की समस्या नहीं थी। जाड़े के महीनों में भक्तों के साथ समय व्यतीत करने के कारण मुझे अपने नैतिक कर्तव्यों में काट छांट करनी पड़ती थी। विश्वविद्यालय की कक्षाओं में मेरा समय निश्चित होता था, किंतु विद्यार्थियों के प्रति मेरा कर्तव्य कक्षाओं तक ही सीमित नहीं होता था। यह बड़ा समय साध्य कर्तव्य था, जिसके कारण मैं अन्य बातों की ओर ध्यान नहीं रख पाता था। मैं इतना व्यस्त रहता था कि मुझे मित्रों के अभाव की बात भूल जाती थी। यह उसी प्रकार का होता था जैसे घर के रोज के खर्चे बचाकर त्योहारों और उत्सवों के लिए पैसे बचाना, फिर भी जैसे अन्य उत्सव जब उन्हें मनाना ही पड़ता है तो पूरे उत्साह के साथ मनाया जाता है, फिर उसमें चाहे जो भी खर्चा हो और उनके समाप्त होने पर उनसे प्रसन्नता ही प्राप्त होती है, ना कि पछतावा। इसमें कुछ भी खोना या कुछ चिंता करने की बात नहीं होती है। बाबा जी ने अपने भक्तों के साथ रहकर उन्हें आनंद और हर्ष का मार्ग दर्शन किया था, चाहे वह उनके पास रहते हो अथवा उनसे दूर हो। जब बाबा जी ने तुम्हें अपने पास बुलाया है, तब उन्होंने अपनी ही प्रतिछाया तुम्हें दी है। हर किसी को यह स्मरण रखना चाहिए और चिंताओं से मुक्त रहना चाहिए। अपने प्रकार की एक अनोखी घटना सितंबर 1961 में हुई। एक दिन प्रातः मुझे एक पुस्तक पर राम नाम लिखा प्राप्त हुआ, जो बाबा जी के हाथों की लिखावट थी, जबकि विगत कई महीनों से बाबा जी यहाँ नहीं थे। यह अनोखी बात थी। मैंने तुलाराम को, जो उस समय बाबा जी के साथ आगरा में थे, यह घटना लिखी। बाबा जी ने कहा कि दादा,
उनका स्मरण कर रहे थे, इसलिए उन्होंने अपने आगमन के साक्ष्य के बतौर पुस्तक पर राम राम लिखा था। फिर शीतकालीन आते ही सभी यहाँ लौट आए और जीवन फिर पूर्वत हो गया। चाहे कीर्तन हो अथवा भजन, सभी उसमें भाग लेते थे। उसका भरपूर पुरस्कार सभी को मिलता था। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें जय नीप करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो नीप करोरी बाबा जी महाराज की जय, बोलो सिद्धि माता की जय, बोलो जय श्री राम।